हम आग्रह करते हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के उपरांत श्री गोपाल भार्गव जी का, वे बुंदेलखंड की शान है, भारतीय राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में कई दशकों से निरंतर सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य और धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। बुंदेलखंड के इस पांचवें महोत्सव में बुंदेलखंड के एक शीर्ष नेता गोपाल भार्गव जी भी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। गोपाल भार्गव जी से आग्रह है कि वो भी मंच पर पधारकर इस उद्बोधन के माध्यम से बेटियों को आशीर्वाद दें। श्रीमान गोपाल भार्गव जी, स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से उनका। राधा कृष्ण भगवान की। इतने बड़े स्थान पर आप सभी पधारे हैं, आवाज कुछ धीमी और कमजोर लग रही है, जबकि स्थान बहुत बलवान है। एक बार पुनः भगवान का जयकारा करेंगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मीनारायण भगवान की। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष, तो जानकारी है कि विदेशों तक से लोग यहां पर इस मंगल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो पारायण हो रहा है का, वो श्रवण करने के लिए हम सब बुंदेलखंड वासियों के लिए नहीं बल्कि समूचे सनातन धर्मियों के लिए ये गर्व और गौरव का विषय है। यह तीर्थ बागेश्वर धाम तीर्थ अब तीर्थ ही नहीं रहा बल्कि तीर्थ राज हो गया है। महाराज जी की कृपा से इसके लिए सभी लोग एक बार ताली बजाए भगवान का, हनुमान जी का स्मरण करें बागेश्वर वाले। मंच पर विराजमान जिनके श्री मुख से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, इंद्रेश महाराज जी और हम सबके आपके प्रिय, पूरे भारत के प्रिय, पूरे सनातन धर्मियों के प्रिय और कम आयु में ऐसा नाम शायद मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं। मेरी भी 45 वर्ष से राजनीतिक यात्रा हो गई, 9 बार विधायक बना, उसके पहले भी राजनीति की। हमारे बहुत धर्म आचार्य हुए हैं लेकिन शास्त्री जी ने जो नाम हमारे बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का किया दुनिया में, यह वास्तव में अभूतपूर्व है। इतने अल्प समय में आपने अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से, अपने अदृश्य चक्षुओं से जो हम सभी को ज्ञान दिया है, हम सभी के लिए जो अपनी पीड़ा से, जो अपने दुखों से, जो अपने कष्टों से, जो अपने गृहस्थ जीवन से मर्माहत थे, ऐसे लोगों के लिए आपने मार्ग दिखाया, सन्मार्ग दिखाया, उनके भविष्य का उनको आभास कराया। इसके लिए एक बार महाराज जी की जय जयकार करते हुए दोनों हाथों से हम सभी लोग उनको धन्यवाद करेंगे। महाराज जी, आप सिर्फ बुंदेलखंड नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की और दुनिया में जहां भी फैले हैं हमारे सनातन धर्मी, आप उनकी पूंजी हैं, आप उनकी धरोहर हैं। आप हमेशा इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर हमारे देशवासियों को, सनातन धर्मियों को चलाते हुए इसी प्रकार के आयोजन करते रहें। हम तो एक छोटी सी पानी की बूंद हैं उस घड़े की, जो घड़ा आपने भरा हुआ है उसमें जिस रूप में हम लोग एक बूंद भी यदि हम उसमें समाहित कर सके तो हम अपना जीवन धन्य मानेंगे। और मुझे तो विशेष रूप से आनंद इस बात का आता है, प्रसन्नता और गर्व इस बात की है कि महाराज जी हमारे ही बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में जन्म लिए, ये हम सबके लिए गौरव और गर्व की बात है। बात जिन्होंने इस पिछले हुए अपेक्षाकृत बीमारू इस राज्य, हमारे क्षेत्र के लिए, अंचल के लिए दुनिया में नाम दिया, तो मैं आपसे
यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से हम सबको दिशा देते रहें। और मैं तो ज़्यादा कुछ पूजन विधि विधान इस सब बारे में नहीं जानता। रुद्राष्टक में जैसा कहा है शिव जी के लिए, न जानामि योगम जपम न वे पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। हे प्रभु और हे महाराज जी, हम आपकी पूजा नहीं जानते, हम विधि नहीं जानते, हम योग नहीं जानते, लेकिन हम आपके भक्त हैं, हम आपके सेवक हैं। इस सेवक पर और ये सारे बैठे हैं, ये भी आपके सेवक हैं, भक्त हैं, इन पर अपनी दया अपनी कृपा बरसाते रहें, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तजनों के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।